सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, अगर आपके फ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको कोई मैसेज भेजता है व्हाट्सएप पे, वो मैसेज देखने के पहले ही वो डिलीट कर देता है तो आप तक नहीं पहुंच पाता, आप नहीं जान पाते कि मैसेज क्या था। लेकिन यहाँ पर जो है, हाय हाउ आर यू मैंने भेजा मेरे पहले मोबाइल से मेरे दूसरे मोबाइल पे, तो मेरे मोबाइल पे यहाँ पर मैसेज आया है, लेकिन उसके बाद ही मैंने पहले मोबाइल से जो मैसेज भेजा था उसको मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन डिलीट करने के बाद भी यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैसेज डिलीट हो गया है लेकिन पहला मैसेज अभी भी दिखा रहा है। तो मैं आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ, एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आप डिलीटेड मैसेज को इजिली देख सकते हैं अपने मोबाइल पे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे। तो पहले हमें प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाकर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो प्ले स्टोर में हम लोग जाते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर जो है आपका लिखना है, यहाँ पर ऊपर लिखना है आपको कि नोटिसेव, NOTISAVE, नोटिसेव यहाँ पर लिखना है आपको। नोटिसेव लिखने के बाद एप्लीकेशन का नीचे सर्च बटन में आएगा, तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है एप्लीकेशन खुलेगा। यहाँ पर मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो आपका इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद जो ओपन बटन आएगा, ओपन बटन को क्लिक करते हैं हम लोग। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर होम पेज कुछ ऐसा खुलेगा। आपका ऐप लिस्ट जो है ये रीड लेगा, लोडिंग होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन का जो लिस्ट है, सारे एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा। तो लोडिंग होने के बाद जो है अलाउ करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर अलाउ एक्सेस टू नोटिफिकेशन, अलाउ पे क्लिक करना है आपको। और अलाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन को, नोटिसेव को यहाँ पर आपको परमिशन देना है। परमिशन देने के लिए यहाँ पर जो है क्लिक करना है आपको। परमिशन अगर नहीं देंगे तो ऐप काम नहीं करेगा। तो एप्लीकेशन को यहाँ पर ओके करते हैं। जो है हमने परमिशन दे दिया, तो बैक पे जाते हैं। बैक पे जाने के बाद कुछ इस तरीके का जो आएगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट करना है आपको। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, जस्ट सब नेक्स्ट करना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद जो है लॉग इन विथ, जो है यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका शो ऑन स्टेटस बार। शो ऑन स्टेटस बार में जो है आपका कोई भी, यहाँ पर जो सारे आपका एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद आपको कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर आप चाहे तो आप स्टेटस बार में, इस एप्लीकेशन की स्टेटस बार में आप ला सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन आए तो आपका जो है इस एप्लीकेशन में स्टेटस बार में, कोई वाइटल एप्लीकेशन आए स्टेटस बार में आ जाएगा। ये हमारा मेन थिंग नहीं है, जस्ट ऑप्शन है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ट्रिक करने के लिए बाद में जो ऑप्शन आएगा मैं उसको आप भी दिखाता हूँ आपको। ऐसे करके मैंने जब लाइट को कर दिया ऑन, तो ऐसे करके करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा आता है, जो मेन ऑप्शन है जिसके ज़रिए हम सेव कर सकते हैं उसको, डिलीटेड मैसेज जो है देख सकते हैं हम, तो वो है सेव नोटिफिकेशन। ऑप्शन आएगा सेटिंग्स में भी होगा कि सारे ऐप्स यहाँ पर आ जाएगा। किसी का भी अगर नोटिफिकेशन आपको जो है देखना है, अगर डिलीट हो जाए मैसेज, मैं यहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू नहीं दिखा रहा हूँ, मैसेंजर के थ्रू दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैसेंजर के जगह अगर व्हाट्सएप होगा तो व्हाट्सएप को भी यहाँ पर इनेबल करना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनेबल करना है आपको। डिलीटेड मैसेज जो होगा, डिलीटेड मैसेज यहाँ पर जो आएगा, आपका मैसेज जो आएगा पहले, फिर डिलीटेड मैसेज जैसे मैंने आपको दिखाया पहले उस तरह आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को यूज़ करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एप्लीकेशन को नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है पासपोर्ट का ऑप्शन भी है। यहाँ पर पासपोर्ट को ओपन करके आप पासवर्ड दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया। दो बार पासवर्ड देना है, एक बार कंफर्मेशन करना है। तो करने के बाद यहाँ पर जो है ऑप्शन बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा जो है सिंपल ऐप है, कोई ज़्यादा जो है घुराव पेचाव नहीं है। यहाँ पर सिंपल ऐप है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है साइड बार में जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ड्यू रिकॉर्डर पे आपने बोल, मैंने बोला था पहले जो स्टेटस बार में दिखाएगा, तो स्टेटस बार ये है। स्टेटस बार में आपको दिखा रहा है, मैंने ड्यू रिकॉर्डर से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसको भी दिखा रहा है। नीचे नोटिसेव का जो है नोटिफिकेशन भी दिखा रहा है, मैंने ऐप खोल रखा है। तो बाद में जो है यहाँ पर ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल जो है ऑल नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाएगा। चैट का ऑप्शन है, चैट यहाँ पर दिखाएगा आपको। फाइनेंस का है, SMS का है, तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है आपको। और साइड बार में जो है एडिट ग्रुप है, ग्रुप बना सकते हैं आपका। टेल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को बोल सकते हैं आप, कोई भी रेफर आईडी देना है, कुछ ऐसा कुछ है। तो ओवरऑल ऐप बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए, हेल्पफुल एप्लीकेशन है और बहुत अच्छा एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा यहाँ से। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि कितना यूजफुल वीडियो है ये आपके लिए। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही रोजाना नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।